हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंजल्स लास्ट मिशन लव कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 2 को। एंड इसके आगे के भी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं योनसियो बार बार हेल्प मांग रही होती है, पर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता सिवाय एंजल के। उसकी कार ब्रिज से लटक रही होती है और नीचे गिरने ही वाली होती है, जो कि एंजल को अच्छा नहीं लगता। उसको योनसियो के ऊपर दया आ जाता है तो वो उसकी कार को अपनी पावर्स की मदद से ऊपर ले आता है और रोड के ऊपर रख देता है और फिर वो सीधा चर्च चला जाता है। पर जिस टाइम पर वो चर्च पहुंचा तब तक चर्च बंद हो चुका होता है, क्योंकि एंजल योनसियो को बचाने लग गया था, जिसकी वजह से वो लेट हो गया होता है। वो चर्च का दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करता है पर दरवाजा नहीं खुलता। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि उसी रास्ते से जा रहा होता है जहाँ पर योनसियो का एक्सीडेंट हुआ होता है। जब वो आदमी देखता है कि वहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हुआ है तो वो जाकर चेक करता है तो उस कार में वो दो आदमी को देखता है जो कि बहुत ज्यादा ही जख्मी हालत में होता है। तो वो जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करता है और उस जगह पर बुलाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाती है और उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एंजल को, जिसके पास हु आता है और लेट होने के लिए उस पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा करता है। फिर हु एंजल को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जिसको देखकर एंजल मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या ये वही जगह है जहां पर मैं गायब हो जाऊंगा किसी धुएं की तरह। तभी हु के हाथ में गॉड का एक लेटर आता है जिसमें गॉड ने कहा होता है कि तुमने मेरे बनाए गए नियमों को तोड़ा है और किसी इंसान की जिंदगी में इंटरफेयर किया है, इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी और तुम्हें मिटा दिया जाएगा। एंजल को लगता है कि वो अब गायब होने वाला है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वो आंखें खोलता है तो वो वापस से चर्च आ गया होता है और खुद को अभी तक जिंदा पाकर वो काफी शॉक्ड होता है। तो वो हु से कहता है कि मैं गायब क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे वजह क्या है। फिर हु कहता है कि तुमने गॉड के नियमों का पालन नहीं किया है तो उन्होंने सजा के तौर पे तुम्हें एक काम दिया है, अब से तुम एंजल नहीं रहोगे बल्कि एक आम इंसान बन जाओगे और तुम्हारा नाम होगा किमदान। ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा और तुम्हें इंसान बनकर एक स्पेशल मिशन को कम्प्लीट करना होगा। तुम्हारे पास इस मिशन को कम्प्लीट करने के लिए 100 दिन होंगे और ये 100 दिन मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम्हारे लिए गॉड से मांगे हैं। अगर तुम 100 दिन के अंदर मिशन कंप्लीट कर लेते हो तो तुम गॉड के खास एंजल बन सकते हो। एंजल कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है। हु कहता है कि तुम्हें एक इंसान को प्यार का मतलब समझाना है, उसे प्यार का एहसास करवाना है और उसको उसके सच्चे प्यार से मिलवाना है। फिर एंजल एक ट्री के पास जाता है जिसपे से एक पत्ता गिरता है जिसमे उस इंसान का एड्रेस लिखा होता है जिसको उसे प्यार का एहसास करवाना होता है। अब वो एक इंसान बन चुका होता है पर वो पूरी तरह से इंसान नहीं होता, उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत एंजल्स की पावर मौजूद होती है और अब से उसका नाम किमदान होता है। उसके शैडो आ चुके होते हैं और लोग उसे देख पा रहे होते हैं, जिससे वो काफी सरप्राइज रह जाता है। फिर हम देखते हैं योनसियो को, जो कि टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गई थी तो वो जिंदा होती है और वो देख भी पा रही होती है क्योंकि उसको कॉर्निया डोनर मिल गया होता है और डॉक्टर ने कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी कर दिया होता है। वहाँ हॉस्पिटल में उसके फैमिली मेंबर उससे मिलने आए होते हैं और उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना होता है जो कि योनसियो को काफी अजीब लगता है। तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर जो उस एक्सीडेंट में बच नहीं पाए, उनकी मौत हो गई और उन्होंने ही अपना कॉर्निया योनसियो को दे दिया, जिसकी वजह से वो देख पा रही है। मिस्टर जो अब नहीं रहे ये जानकर उसे काफी बड़ा सदमा लगता है, वो बहुत दुखी हो जाती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। किमदान को जो एड्रेस मिला था वो उसी हॉस्पिटल का होता है जहाँ पर योनसियो होती है। जब किमदान हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर जो अब नहीं रहे और योनसियो काफी ज्यादा ही दुखी होती है, ये देखकर उसे बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है। और जब उसे पता चलता है कि उसे योनसियो को ही प्यार का मतलब समझाना है तो वह काफी शॉक्ड रह जाता है। किमदान जितना टाइम योनसियो के साथ रहा उतने में ही उसे पता चल गया था कि योनसियो कितनी गुस्सेल लड़की है और उसे प्यार से नफरत है, और ये काम किमदान के लिए काफी मुश्किल होने वाला होता है जिससे वह काफी परेशान हो जाता है। योनसियो बहुत ज्यादा दुखी होती है तो वो हॉस्पिटल से सीधा घर पहुंच जाती है और उन वीडियोस को देखने लग जाती है जिसमें उसने मिस्टर जो के साथ काफी अच्छा टाइम बिताया था। वो काफी पछता रही होती है कि लास्ट टाइम जब वो मिस्टर जो के साथ थी तो वो उनसे गुस्सा थी और उनपे चिल्लाई भी थी। वो कह रही होती है कि आपको किसने हक दिया मुझे अपनी आंखें देखकर चले जाने के लिए, मुझे जवाब दीजिए, और वो पूरी रात बहुत ज्यादा ही रोती रहती है। वहीं दूसरी तरफ किमदान भाग कर सीधा चर्च पहुँचता है क्योंकि उसे ये मिशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे अपना मिशन चेंज करवाना होता है, पर चर्च का दरवाजा
बंद होता है तो वो वही बाहर सो जाता है। अगली सुबह हु वहाँ पर आता है और किमदान को उठा कर उससे पूछता है कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। किमदान कहता है मुझे अपना मिशन चेंज करवाना है, क्योंकि वो लड़की नॉर्मल इंसान नहीं है, बिल्कुल ही पागल है। उसके साथ जो आदमी हरदम रहता था, जो कि उसका ख्याल रखता था, वो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी, तो मुझसे नहीं होगा ऐसी पागल लड़की को प्यार का एहसास करवाना जिसके अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो कहता है ये मिशन अब चेंज नहीं हो सकता, और अगर तुमने ये मिशन पूरा नहीं किया तो तुम धुएं की तरह उड़ जाओगे। किमदान पूछता है वही लड़की क्यों? तब हु कहता है क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई थी इसलिए। फिर हु किमदान का कपड़ा अपनी पावर से चेंज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस जंग जब योनसियो के घर आती है तो वो योनसियो को जमीन पे सोई हुई देखती है और उसकी हालत काफी खराब होती है। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुमने अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाला। योनसियो कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर वो योनसियो की आंखों में ड्रॉप डालने लगती है पर योनसियो आई ड्रॉप डालने से मना कर देती है। तब मिस जंग कहती है कि ये तुम्हारी आंखें नहीं है, ये मिस्टर जो की आंखें हैं, तो तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। लेकिन योनसियो उनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो नीचे गिर जाती है। तब मिस जंग उसके पास आती है और उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है क्या हुआ। योनसियो कहती है मेरे पैर काम नहीं कर रहे, मैं उठ नहीं पा रही। ये सुनकर मिस जंग परेशान हो जाती है तो वो डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेती है। डॉक्टर बताती है कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रामा है, लोग इसे तब गुजरते हैं जब वो किसी अपने को खो देते हैं जो कि उसके बहुत ही करीब था। लोग वो सब नहीं कर पाते जो कि वो उस इंसान के साथ किया करता था। ऐसा ही कुछ योनसियो का हाल है, इसीलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। फिर हम देखते हैं फैंटेसिया के डांसर डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि वही आदमी होता है जिसने हॉस्पिटल फोन करके योनसियो की जान बचाई थी। वो म्यूजिक बंद कर देता है और सभी डांसर्स को बताने लगता है कि तुम लोग गलत तरीके से डांस कर रहे हो, तुम लोग बहुत ही फास्ट हो। जो उन सभी को डांस प्रैक्टिस करवा रहा होता है वो उससे पूछता है कि तुम हो कौन जो ये सब बोल रहे हो। तब वो बताता है कि मेरा नाम जी कैंग ऊ है और मैं फैंटेसिया का न्यूली अपॉइंटेड आर्टिस्टिक डायरेक्टर हूँ। अब से मैं तुम लोगों को डांस सिखाने वाला हूँ। मैंने तुम लोगों का डांस देखा 20th एनिवर्सरी इवेंट पर जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम लोग 3 साल से एक तरह का ही परफॉर्मेंस दे रहे हो जो कि ठीक नहीं है, इसीलिए अब से तुम लोग किसी और बैलेट डांस की प्रैक्टिस करने वाले हो जिसका नाम है जिजिल, और ये एक डिफरेंट टाइप का डांस होने वाला है जिसको किसी ने भी नहीं देखा होगा, और इस डांस में मैन बैलेरिन होगी योनसियो। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि योनसियो को डांस छोड़े 3 साल हो चुके होते हैं और अगर कोई बैलेरिन 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस ना करे तो उसके परफॉर्मेंस पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और यहाँ तो योनसियो ने 3 साल से डांस नहीं किया। जब ये बात मिस चोई और रूना को पता चलता है कि मिस्टर कैंग ने उसकी बेटी नीना को लीड बैलेरिन ना चुनकर योनसियो को चुना है, तो वो लोग मिस्टर कैंग को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि योनसियो ने 3 साल से डांस नहीं किया है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, इसीलिए तुम्हें अपना डिसीजन बदलना होगा। मिस्टर कैंग कहता है कि तुम लोग ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बहन नीना अपनी पोजीशन खो देगी। और रही बात योनसियो की, तो वो बहुत ही टैलेंटेड डांसर है और मुझे यकीन है कि वो बहुत ही जल्द अपने शेप और रिदम में आ जाएगी। मिस चोई, आपने मुझे यहाँ का आर्टिस्टिक डायरेक्टर बनाया है तो मैं सब कुछ अपने हिसाब से करूंगा और मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला, इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं किमदान को जो कि योनसियो के घर पहुँचता है। योनसियो को एक पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत होती है जो कि उसका ध्यान रख सके, क्योंकि अब वो खुद से चल नहीं सकती, उसे किसी के सहारे चलना होगा, इसीलिए वो लोगों का इंटरव्यू ले रही होती है। किमदान भी वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया होता है क्योंकि उसे अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए योनसियो के साथ रहना होगा। किमदान देखता है कि अंदर से कई लोग इंटरव्यू देकर आते हैं जिनको योनसियो ने रिजेक्ट कर दिया होता है छोटी सी छोटी बात के लिए। इस बात से किमदान बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि उसने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूंगा। फिर किमदान अंदर जाता है तो मिस जंग पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। किमदान कहता है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। मिस जंग कहती है कि हमने अभी अभी लास्ट इंटरव्यू लिया है। फिर जब वो रिज्यूमे को चेक करती है तो उसमें किमदान का भी रिज्यूमे होता है जो कि हु ने अपनी पावर से वहाँ पर रख दिया होता है। फिर योनसियो और मिस जंग किमदान का इंटरव्यू लेने लगते हैं। मिस जंग पूछती है कि तुम ये काम क्यों करना चाहते हो। फिर किमदान कहता है कि मुझे काम की बहुत ही जरूरत है और मैं यंग लेडी को बहुत ही अच्छे से असिस्ट करूंगा जिससे वो ब्राइटली साइन कर सके। ये सुनकर योनसियो को मिस्टर जो की बात याद आ जाती है। उन्होंने भी योनसियो से कहा था कि वो योनसियो को ब्राइटली साइन करते
करते हुए देखना चाहते हैं। इस बात का योनसियो पे काफी गहरा असर पड़ता है, लेकिन तभी किमदान थोड़ा अजीब हरकतें करने लगता है जिससे योनसियो इरिटेट हो जाती है और किमदान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर किमदान झूठ मूठ का बहाना बनाता है और कहता है कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मुझे ये जॉब नहीं मिला तो मेरे डैड मुझे लात मार के घर से निकाल देंगे और मेरे अंकल भी मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेला हूँ। योनसियो कहती है तो मैं क्या करूँ। तब किमदान कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद कर सकती हो, लेकिन योनसियो नहीं मानती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। किमदान जा ही रहा होता है तभी वो बोलता है कि मैंने उम्मीद की थी कि ये लड़की थोड़ी तो अच्छी होगी, पर मैं गलत था। ये लड़की पूरी तरह से पागल है जो कि लोगों को कुछ भी नहीं समझती, सिर्फ गुस्सा करना जानती है। किमदान ये इसलिए बोलता है क्योंकि उसे लगा था कि वो अभी भी एक एंजल है और उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। वो भूल गया था कि वो अब एक इंसान बन गया है। किमदान की बातें योनसियो सुन लेती है तो वो कहती है कि तुमने अभी क्या कहा। फिर किमदान चिल्लाकर कहता है कि तुमने सुन ही लिया है तो एक और बात सुन लो, तुम बहुत ही बुरी हो इसीलिए अच्छा बनो, समझी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। किमदान की बातें सुनकर योनसियो को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने आप खड़ी हो जाती है और खुद से चलकर उसके पीछे जाने लगती है, जो देखकर मिस जंग काफी हैरान रह जाती है और खुद योनसियो भी काफी हैरान रह जाती है। किमदान बाहर आकर काफी परेशान हो जाता है, उसने जो किया वो उसके लिए पछता रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या मैं अंदर जाकर माफी मांग लूं। तभी वहाँ पर मिस जंग आती है और किमदान को बताती है कि योनसियो ने तुम्हें काम पे रख लिया है क्योंकि तुमने उसके साथ रूड बिहेव किया, क्योंकि योनसियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके साथ प्यार से पेश आए। अब जब किमदान को जॉब मिल चुका होता है तो मिस जंग किमदान को उसका कमरा दिखा देती है, क्योंकि अब से वो योनसियो के साथ उसके घर में ही रहने वाला होता है ताकि हरदम उसका ख्याल रख सके। मिस जंग किमदान को सारा काम बता देती है कि उसको कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है। किमदान बहुत ही खुश होता है क्योंकि मिशन को कंप्लीट करने के लिए अब से वो योनसियो के साथ ही रहने वाला होता है। मिस जंग योनसियो के पास आती है और उससे कहती है कि मिस्टर जो से बिल्कुल अलग इंसान ठीक रहेगा, वो तुम्हारे साथ सख्ती से पेश नहीं आएगा, तो क्या मैं कोई वैसा इंसान ढूंढूं। योनसियो कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं, किमदान ही ठीक है, इससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर अगली सुबह से किमदान का काम शुरू हो जाता है। योनसियो के साथ रहते रहते वो उसके बारे में अच्छे से जानने लगता है कि योनसियो के अंदर थोड़ा सा भी हमदर्दी या प्यार नाम का चीज नहीं है। वो सोचने लगता है कि इंसान को भगवान की परछाई माना जाता है तो आखिर इंसान इतने घमंडी और गुस्सेल क्यों होते हैं। योनसियो के घर में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उन सभी में से कोई भी योनसियो को पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि किमदान भी नहीं। लेकिन किमदान डिसाइड करता है कि वो सब कुछ बदल के रख देगा, यहाँ तक कि योनसियो को भी। उसके लिए उसको चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन वो योनसियो को किसी के प्यार में पड़ाकर ही रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नीना को जो कि डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। नीना योनसियो से नफरत तो नहीं करती लेकिन उसे योनसियो से बहुत ज्यादा ही जलन होती थी, क्योंकि योनसियो की वजह से उसे कभी भी लीड बैलरीना बनने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन जब योनसियो की आंखें चली गई तो उसे मौका मिला और वो 3 साल तक फैंटेसिया की लीड बैलरीन रही। लेकिन फिर से योनसियो की वजह से उसके हाथ से परफॉर्मेंस को लीड करने का मौका चला गया, इसी वजह से वो दुखी होती है। वो डांस में इतना खो चुकी होती है कि उसके पेड़ में मोच पड़ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। वहीं से मिस्टर कैंग भी गुजर रहा होता है तो वो नीना को देख लेता है। जब उसके पैर में मोच पड़ता है तो वो उसके पास जाता है और उसके पैर का मोच को ठीक करने लगता है और साथ ही उसे एडवाइस भी देता है कि अगर उसे डांस करते रहना है तो उसे अपना ख्याल रखना चाहिए, अगर वो इसी तरह लापरवाही करती रही तो वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। ये सारी बातें सुनकर और मिस्टर कैंग उसका पैर ठीक कर रहा होता है, जो देख कर वो काफी इम्प्रेस होती है और उसे मिस्टर कैंग के प्रति एक तरह का अट्रैक्शन फील होता है। जब मिस्टर कैंग अपने घर जाता है तो हमें पता चलता है कि उसने अपने घर के दीवार पे योनसियो और उसके फैमिली मेंबर्स के फोटो चिपका कर रखा है। उन फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि मिस्टर कैंग जरूर कुछ प्लान कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर मिस चोई काफी ज्यादा ही परेशान होती है क्योंकि योनसियो की आंखें अब वापस आ चुकी होती है और वो देख सकती है, और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो जल्द ही मिस्टर चोई के हाथों से कंपनी भी चली जाएगी। इसी बात को लेकर वो काफी ज्यादा ही परेशान होती है। उसके बाद हम देखते हैं योनसियो को जो कि गार्डन में वॉक करने आती है, तो गार्डन में बहुत सारे पेड़ के पत्ते गिरे हुए होते हैं जिसको देखकर वो काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है।
तो वो सभी सर्वेंट को बुलाती और उनसे पूछती है कि गार्डन का इंचार्ज कौन था। कोई भी सर्वेंट जवाब ही नहीं दे रहा होता तो वो सभी पे चिल्लाती है, जो कि किमदान को अच्छा नहीं लगता। तो वो योनसियो से कहता है कि मैं सारे पत्ते साफ कर दूंगा। फिर वो सभी सर्वेंट को अपना काम करने जाने को कहता है तो सभी लोग चले जाते हैं। इस बात से योनसियो काफी गुस्सा हो जाती है। तभी किमदान उससे कहता है कि तुम ना दिन ब दिन पागल होती जा रही हो, छोटी सी छोटी बात पे चिल्लाती रहती हो, तो पूरी तरह से पागल होने से पहले क्यों ना तुम किसी से प्यार कर लो। ये सुनकर योनसियो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और किमदान से कहती है कि कल तक यहाँ मुझे एक भी पत्ते नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। किमदान झाड़ू लेता है और पत्ते साफ करने लगता है। पत्ते साफ करते करते रात हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। किमदान बारिश में भी पत्ते साफ कर रहा होता है कि तभी उसके विंग्स बाहर निकल आते हैं, जो देखकर किमदान खुद भी काफी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि अभी वो एक इंसान है तो उसके विंग्स कैसे आ सकते हैं। इसी बात को लेकर वो काफी सोचने लगता है। योनसियो जब अपने कमरे की खिड़की खोलती है तो वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है। वो सोचती है कि शायद किमदान अभी भी पत्ते साफ कर रहा होगा, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता। तो वो किमदान को फोन करती है ताकि उसे वापस बुला सके, पर किमदान के तो विंग्स बाहर आ चुके होते हैं, तो वो अपने विंग्स के साथ योनसियो के पास कैसे जा सकता था, इसीलिए वो फोन ही नहीं उठा रहा होता। इस बात से योनसियो परेशान हो जाती है कि आखिर ये फोन क्यों नहीं उठा रहा। तो वो अपने कमरे की गार्डन की तरफ की खिड़की खोलकर बाहर देखती है तो बाहर तो किमदान होता ही नहीं, क्योंकि किमदान छिप गया होता है ताकि योनसियो उसके विंग्स ना देख ले। किमदान जैसे तैसे छिप कर अपने कमरे में चला जाता है और अपने विंग्स को गायब करने की कोशिश करने लगता है, पर वो गायब ही नहीं हो रहे होते। किमदान को बाहर ना देखकर योनसियो सोचती है कि कहीं बारिश की वजह से उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, इसीलिए वो किमदान के कमरे में जाने लगती है। किमदान को पता चलता है कि योनसियो उसके कमरे में आ रही है तो वो काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है। योनसियो जब किमदान के कमरे में पहुंचने ही वाली होती है कि तभी उसे नीचे से कुछ टूटने की आवाज आती है, तो वो नीचे चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके घर का एक खिड़की टूटा हुआ है। खिड़की के कांच के टुकड़े देखकर उसे उस दिन की याद आने लगती है जब उसके आंखों में कांच चला गया था और वो अंधी हो गई थी। कांच के टुकड़े देखकर वो काफी डर जाती है, उसके शरीर कांपने लगते हैं और वो वहीं पर गिर जाती है। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाजें आती है तो वो ऊपर देखती है तो ऊपर जो झूमर होता है वो हिल रहा होता है। वो झूमर योनसियो के ऊपर गिरने लगता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। झूमर उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर किमदान आ जाता है और अपने विंग्स से योनसियो को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से योनसियो के ऊपर एक भी कांच नहीं गिरता, उसे कुछ भी नहीं होता। जब योनसियो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने सामने किमदान को देखती है। वो किमदान के विंग्स को भी देखती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड रह जाती है। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक डिसलाइक एंड कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड इसी तरह का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।